सभी को जय सियाराम, राधे राधे। तो यहाँ पे अपने पास एक सीन है जिसमें मैं इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे स्टार्टिंग जो लैंडस्केप है इसको रखता हूँ, ये बेस जो है इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अपने पास ही सिर्फ कुछ ये चीज़ें हैं, मैं चाहूँ तो इनको भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं हटाऊँगा। तो यहाँ पर हम करते हैं इम्पोर्ट, और ओपन करते हैं उस फाइल को जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है 3ds Max से। तो यहाँ पे एक्सटीरियर, और इसके बाद में यहाँ पे मेरे पास फोल्डर है, तो मैं यहाँ से इस फोल्डर को कॉपी करवा लूँगा, और मैंने किया यहाँ पे पेस्ट, यहाँ से मैंने इसको किया इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट करने के बाद ये लेगा थोड़ा सा टाइम, तो मिलते हैं एक बार इम्पोर्ट के बाद में। ओके, तो हमारी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। मैं थोड़ा सा जाता हूँ बैक, और मैंने यहाँ पे लिया थोड़ा सा इसको बैक। बैक लेने के बाद में मैं पूरे इसको मैंने यहाँ से किया सेलेक्ट, और इसको करता हूँ मैं यहाँ से अप, और मैंने कुछ इतने लेवल तक इसको मैंने किया अप। मैं यहाँ चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे मिल रहा है कुछ इस तरह का पोर्शन, तो मैंने इसको यहाँ पर जमा दिया, और बस इतना सा ही मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। अनचेक करते हैं और इसको लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ, ताकि ये फ्लिकर्स या फिर मतलब इस तरह से झिकझैक जो आ रहा है ना, इसमें दिक्कत आ रही है, वो क्रिएट ना करें। तो यहाँ पे एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं, और यूवीज को करते हैं यहाँ पर टू साइड, बिकॉज क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसकी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आता है ऑप्शन डिटेल्स इन्वर्ट टेक्सचर, देखो यहाँ पे हो गया, और ये टेक्सचर ओके, यहाँ से इन्वर्ट इन्वर्ट टेक्सचर नॉर्मल मास्क टू साइडेड, सॉरी ये यहाँ पे हो गया टू साइडेड। इसी तरह से इसको भी हमने किया टू साइडेड, ठीक है, जो चीज़ दिक्कत कर रही है हम उसको टू साइडेड कर देंगे। ये बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर है। देखिए यहाँ पे भी दिक्कत है, तो इसको भी हमने सेलेक्ट किया टू साइडेड कर दिया, ताकि अपना मैश प्रॉपर दिख जाए। इसको भी सेलेक्ट किया टू साइडेड किया, देखो जो भी चीज़ दिक्कत कर रही है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, और टू साइडेड मटेरियल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ऑलरेडी ये टू साइडेड है, कुछ इस तरह का ही है, देखिए। सो यहाँ पे आए, और अब जो चीज़ बच गई उसको देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे कलर रेंज वगैरह जो भी है अपनी, उसको यहाँ से सेलेक्ट किया, और इस पे हम मटेरियल वगैरह अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे टेक्सचर ओपन, और जो अपना फोल्डर है उसमें चलते हैं। यहाँ पे मैप्स में नहीं आया, अगर आता तो इस पे अप्लाई होता, तो हम चलते हैं वापस यहाँ पे, और जैसे कि इस वाला ये टेक्सचर हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो इसी तरह से ये सारा टेक्सचर इसके ऊपर आ चुका है। हमने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे टेक्सचर टेक्सचर ओपन, और वही फोल्डर, यहाँ पे हमने लिया स्टोन का जो टेक्सचर है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे कि ये वाला। ओके, सो ये सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो इसका टेक्सचर हमको लेना है थोड़ा सा डार्क। सो यहाँ पे कलर, और एक बार हम निकाल लेंगे यहाँ पे आउटपुट जो है इसका, वो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका आउटपुट है पहले से ही जो था, तो इसी पे हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे ये सही है, ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे। तो करना क्या है, ये हो गया यहाँ पे, ये थोड़ा सा डार्क एंड वुड का टाइप का इस तरह का है। तो यहाँ पे चाहे तो हम एक वुड भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ टेक्सचर, जैसे ये वाली वुड थी, मैंने ये पिक करा मटेरियल, और इस मटेरियल को मैंने यहाँ पे भी, इस पे भी मैंने यहाँ पे और अप्लाई। यहाँ से मैंने ये पिक किया और ये मटेरियल मैंने यहाँ से ऐड टू यूज़र लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मटेरियल और यहाँ पे आएगा यूज़र का, तो बैक गए और यूज़र लाइब्रेरी यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके सो ओके, यहाँ पे ये टेक्सचर ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। बस अपने को थोड़ा सा यहाँ पे यूवी वगैरह सेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हो तो रहा है, आ तो रहा है यहाँ पे, लेकिन स्केलिंग जो है वो काफ़ी छोटी इसकी थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको टेक्सचर को पिक किया और मटेरियल वुड, और मैं चलता हूँ यहाँ पे, जैसे कि वॉल के कुछ इस तरह के मटेरियल्स हैं यहाँ पे, तो ये हो गया। गो बैक एंड पुट कंक्रीट, ओके वॉल। तो यहाँ पे ये टेक्सचर्स हैं, ठीक है। सो अपने को लेना होगा ये वाला ही, ठीक है। एंड यहाँ से जैसे कि मैंने ये अप्लाई किया, और इसको अप्लाई करने के बाद इसका जो गामा है वो कम किया, रफनेस इसकी मैंने बढ़ाई, ठीक है। मैंने इसकी डार्कनेस थोड़ी सी इस तरह की करी, ये जैसे मैं बढ़ाऊँगा लुमिनस बढ़ाऊँगा या जो भी है, तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। हमको वही करना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पे इसका यूवी, पिक मटेरियल, ओके सो एक बार वापस से, और सेचुरेशन एकदम खत्म। तो यहाँ पे मैंने सेचुरेशन हटाई, और यहाँ पे है अपने पास रफनेस बढ़ाई, मेटलनेस नहीं देना, और यहाँ से टू साइडेड करना है, और इसको एज अ वुड हमने इसको दिया। तो ये है लिफ्ट, और यहाँ पे ल्यूमिनस पावर जिसे बढ़ाना है करना है, तो यहाँ पे मैंने दिया ब्लैक इसको, ओके। और ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एक बार वापस से बैक, और जो हमारा जो डिफॉल्ट था वही टेक्सचर हम इसमें वापस से अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ से मैंने इसको पिक किया, सो गामा कम, थोड़ा सा डार्क इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को मैंने पिक किया और इसको मैंने दिखाया कुछ अलग तरीके से। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और रेक्टेंगल को मैं हाइड कर दूँगा, क्योंकि मैं बैक जाऊँगा और यहाँ पे मेरे को मिलता है टूल्स,
नोट्स, रिफ्लेक्शन, एनिमेशन। तो यहाँ पे मटेरियल, वेजिटेशन नहीं, लाइट्स, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे टिकल्स, पार्टिकल्स, और यहाँ पे मुझे जैसे कि ये सारी चीज़ें मिलती है। तो अगर मैं ये फायर यहाँ पे इफ़ेक्ट लगाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का स्मोक वगैरह भी यहाँ पे मिलेगा, और अगर मैं ज़्यादा लगाना है तो मुझे कुछ इस तरह का देना होगा जो कि मेरे को नहीं लगाना है। ये मेरा काफ़ी ठीक है, तो हम चाहें तो इसको भी यहाँ से स्केल वगैरह करके एडिट कर सकते हैं। बाकी हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। मैं एक बार ये टेक्सचर पिक करूँगा यहाँ से, और इसको हल्का सा रफनेस, नहीं इतनी रफनेस नहीं देनी, ठीक है। मेटलनेस वगैरह ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, जस्ट स्केल इट, ठीक है। ये स्केल इसको 100 जैसा है वैसा ही रखते हैं। इसको हमने पिक किया, कोई मटेरियल आ रहा है यहाँ से, इसको पिक किया, और ये कुछ अभी इस तरह का है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से रफनेस वगैरह सब ठीक है, बस नॉर्मल मैप में जाना है, नॉर्मल डिटेल, और इसका जो मैप है वो अपने को नॉर्मल मैप चाहिए होगा। तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ ओपन करके कि यहाँ पे मेरे पास इसका नॉर्मल मैप है या नहीं है। तो चलते हैं एक बार नॉर्मल मैप के ओर ढूंढते हुए। ओके, तो यहाँ पे अपने पास इसका नॉर्मल मैप ये रहा। मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया और इन्वर्ट की, देखो इन्वर्ट करते ही कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और ये इसको हटाया तो इस तरह का आ रहा है। पैरेलेक्स किया तो इंटेंसिटी, डेप्थ, हाइट वगैरह सब यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको इतना कुछ कर दिया, यहाँ से इंटेंसिटी इसकी बढ़ाई ताकि और ज़्यादा। हाइट मैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं इसका हाइट मैप भी ले लेता हूँ, जो कि नीचे यहाँ पे अपने पास एज अ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है। तो मैंने ये लिया और इसको ओपन किया, जिससे कि ये देखो यहाँ पे इसने अच्छा खासा यहाँ पे रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दिया, यू कैन सी। सो हाइट मैप की इंटेंसिटी रेफरेंस, और मैंने कम लिया, हाइट मैप की इंटेंसिटी ज़्यादा करी। अब रही बात इसकी, तो इन पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मैंने गो बैक, और एक बार सबसे पहले इसको करते हैं सेव फाइल को। तो फाइल को सेव करने के लिए हमने उसी जगह पे गए और यहाँ पे कैबिन 02, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं पॉपुलेट पे, पॉपुलेट पे फॉलेज और स्कैटर। स्कैटर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ग्रास एंड फ्लावर्स। तो यहाँ पे मैंने लिया कुछ इस तरह की ग्रास लेता हूँ, ये ऐसी वाली, कुछ ग्रीन वाली, और इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें, एंड कुछ एक चेक ये भी ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो इनको सभी को सेलेक्ट किया और मुझे सिर्फ स्कैटर करना है। तो यहाँ पे पिक एंड इस पर मैंने अपडेट किया, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन में ये चीज़ आ रही है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा और ये ठीक है। तो इन तीनों को सेलेक्ट करके वापस से मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा दूंगा, जो कि एक अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पे प्लेस हो चुका है, ठीक है। और वही इस चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे भी मैंने इसके ऊपर भी यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो परफेक्ट है। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ लगना था वहाँ वहाँ लग गया। मैं ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगा ताकि ये प्रॉपर अपना रिज़ल्ट भी निकल सके, आ सके, और अपनी ग्रास वगैरह भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखती रहे। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पे फाइनल है।
अब हम चलते हैं कुछ इन चीज़ों पे, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो मैं इस पे और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हम एक बार इसको पिक करते हैं यहाँ से, इसका टेक्सचर, और या फिर इसके ऊपर देखिए यहाँ से ये नीचे आए हम इसके, और यहाँ पे मटेरियल और ग्राउंड नेचर, बस ठीक है। तो ये क्या थोड़ा सा इस तरह का दिखता रहेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ इस तरह का एक मटेरियल अप्लाई कर दिया। यहाँ पे इनको हम पिक करेंगे, देन इनके ऊपर कोई भी ड्रॉप डाउन कोई मटेरियल हो तो यहाँ पे हम इसे, देखो यहाँ पे अलग मटेरियल है, तो चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे इनकी बात करते हैं, तो ये हवा में झूल रहे हैं, तो झूलते हुए चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो इनको हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, और इनको थोड़ा हमने नीचे की तरफ यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके डन है, और इनको तो यहाँ पे प्लेस है ऑलरेडी, तो ठीक है, इनका अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ पे चलना है। और इसका मटेरियल हम पिक करते हैं, पिक करने के बाद इस मटेरियल को हमने यहाँ पे टू साइडेड मटेरियल हमने इसको दे दिया, ताकि ये अपना रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे दे सके। और इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये छोटी सी मोमबत्ती टाइप की कुछ है, तो ये भी छोड़ो यहाँ से, इसको मटेरियल को पिक करते हैं, और यहाँ पे मेटलनेस इसकी ख़त्म करते हैं, रफनेस इसकी ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे फ्रिजनल ओपेसिटी, ओपेसिटी पूरी पूरी ओपेसिटी यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, फ्रिजनल रिफ्लेक्शन हम इसको इतना रखते हैं, और डिटेल में कलर्ड बेसिक मटेरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल, कलर मटेरियल हम इसमें देते हैं। तो कुछ ये रिज़ल्ट अपने पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। ओके तो ये सब चीज़ करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे कुछ पत्थर पे, यहाँ पे इसको पिक किया मैंने, और यहाँ पे ओपन, ओके सो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह ऐड करते हैं, तो ट्रीज,
अब हम इसको सेट करते हैं कुछ यहाँ पे, तो मीडिया पे चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे मैं सेट करता हूँ इसको यहाँ पे इस तरह से। ओके, और एक कैमरा क्लिक, देन इस कैमरा के अंदर मुझे सेटिंग्स करनी है, तो सबसे पहले मैं कैमरा पे जाऊँगा और यहाँ से सबसे पहले तो कैमरा इफेक्ट और पैरेललिज्म एक किया ताकि एकदम सीधा हो जाए। दूसरी चीज़ फिर अपन चलते हैं ऊपर, फोकल लेंथ मैंने यहाँ पे 28 मुझे देनी है, और मैं थोड़ा सा पीछे गया, थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं यहाँ से 24, एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम, और इसको रिकैप्चर, ठीक है, डन। एंड यहाँ से शार्पनेस बढ़ाई थोड़ी ताकि क्वालिटी यहाँ पे अपने को मिल सके, और बाकी तो ठीक है। नियर क्लिप प्लेन, और इसको हमने किया 0, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्रिड अगर सेट करनी हो तो, नहीं तो नन रखेंगे, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड अगर आपको चाहिए तो ठीक है। यहाँ से रेंडर को हमने किया ल्यूमेन, और ल्यूमेन करते हैं कुछ ये आउटपुट यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से करते हैं सीन डिटेल डिस्टेंस, व्यू डिस्टेंस हमने किया 20,000, ठीक है। और विजुलाइज मैश, ओके, ये तो इस तरह का है। फुल ऑप्टिमाइज लाइटिंग क्वालिटी, मैंने यहाँ पे क्वालिटी बढ़ाई 8%, ठीक है। वापस से चलते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सीन में डिटेल्स में अगर चाहूँ तो मुझे कितनी आउटपुट में मिल सके, यहाँ पे आ गया। शेडो वगैरह है तो शेडो ठीक है। देखो इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह की आएगी, और हम कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर यहाँ पे शेडो जनरेट होगी। तो हम इसको रखते हैं 150 के अराउंड ही, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे चलो ये चीज़ हो गई है। एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्सपोजर अपने को थोड़ा सा कम कम लिया, ठीक है। और लोकल एक्सपोजर है, इसको देखो डिसेबल किया, एनेबल किया, तो देखो ये चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे हाईलाइट अगर मैं करता हूँ इसको, तो ये देखो कुछ इस तरह का आउटपुट यहाँ पे अपने को जनरेट कर रहा है। और इसका शेडो थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सपोजर वापस से इसमें इंक्रीज़ करेंगे। एंड इसके अलावा जैसे वेदर की मैं बात करूँ, तो जैसे लाइक कि हमको अगर थोड़ा सा वेदर कुछ इस तरह का चाहिए, बारिश का सा सीन चाहिए तो कुछ इस तरह का, और बाकी देखो बारिश के बाद में थोड़ा सा स्नो वगैरह, ये हो गया बारिश तो अपने आप ही वो चीज़ हो रही है। यहाँ पे हमने सीन ये किया, यहाँ पे अपने को कैसा चाहिए कि भाई जैसे ऑटम, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें चेंज कर लेगा, मतलब जो आपके यहाँ पे जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ वगैरह हैं वो अपने आप ही वहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। जैसे कि इधर से अब यहाँ पे चले गए तो अपन ये पूरा इसमें आ गया, और मैं इसको अगर यहाँ कर देता हूँ तो ये देखो एकदम बर्फ़ गिरते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को विजिबल होगी। तो हम इसको इतना ना करके यहाँ पे वापस से चलते हैं, और इसको रखते हैं लगभग लगभग यहाँ तक, ठीक है। इसकी डिटेल में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे अपने को हाइट फोग वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फोग कितना चाहिए मुझे, तो वो चीज़ हो गई। विंड की स्पीड कितनी चाहिए, डायरेक्शन क्या चाहिए, और वेजिटेशन की ग्रोथ क्या होनी चाहिए, देखो ग्रोथ के हिसाब से भी है कि ग्रोथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, देखो कम 0, ठीक है। फिर इसको थोड़ा बढ़ाया तो आपको कितनी ग्रोथ इनकी चाहिए उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। अभी मैं इसको वापस से वही जो अपना पहले से था वो कर दिया। प्रेसिपिटेशन अपनी जैसे कि लाइक आपको कितनी बारिश वगैरह कैसे क्या चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती है, आप इसको टिक अनटिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको किधर सन को रखना है, ठीक है, वो है कि आपको सन का साइड मतलब किस तरफ से आपको सन को रखना है, कौन सा मंथ आपको रखना है। जैसे कि मैं बात करूँ दिसंबर है अभी, और दिसंबर के महीने में कैसे सन रहता है, कैसे काम करता है, ये देखो समझ गए। तो अभी तो उसके अलावा जैसे मैं बात करूँ कि जुलाई की बात यहाँ आ रही थी, तो जुलाई के टाइम में कुछ इस तरह का रिजल्ट यहाँ पे सन
प्रोड्यूस करता है। तो हमने यहाँ से कुछ रिज़ल्ट इस तरह का निकाला। सो ये हो गया। और इसके अलावा आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको कौन से इसके अंदर आपको रखना है। बाकी हम यहाँ से चलते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे सन का होराइज़न वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको, अगर सिटी का लेना है बैकग्राउंड या किस तरह से आपको यहाँ पे SDRI वगैरह यूज़ करनी है, तो आप SDRI कर सकते हो। इसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे, तो कंट्रास्ट वगैरह आपको कितना चाहिए, कंट्रास्ट बढ़ाया, सारी कुछ यहाँ पे कलर ग्रेडिंग वगैरह आपको रखनी है। तो आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसके बाद में आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि ये देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसी चीज़ के बारे में बताया था कि हम इस तरह से कलर ग्रेडिंग वगैरह भी यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे इसको चूज़ कर लिया, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट वगैरह बढ़ा दिया। इमेज को यहाँ पे फाइनल, जैसे अपने को आउटपुट निकालना है 4K, तो मैंने यहाँ पे 4K पे सेट किया, ठीक है। एंड डिटेल्स के अंदर चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। तो मैं वापस इसको सेव करता हूँ और रेंडर करता हूँ इसको एक बार। तो रेंडर के लिए क्या करना होता है, एक्सपोर्ट पे जाना होता है, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, ठीक है, और एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, प्लस किया यहाँ पे इमेज को, ठीक है। मैंने रियल टाइम हटाया, पाथ ट्रेसर हटाया, लूमेन रखा, इमेज सेलेक्ट करी, आ गई यहाँ पे इमेज, जस्ट कुछ नहीं करना, सीधा PNG, JPEG, EXR जो भी आपको रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे, तो मैं इसको रखता हूँ EXR, ठीक है, और हाई रिफाइनमेंट इसका होना चाहिए। तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैं गया वर्क में और एक्सटीरियर, अपना वही फोल्डर, तो इस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर एंड रेंडर। तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको पाथ ट्रेसिंग से कैसे रेंडर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।